हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस में। और मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ बीएड मेरिट लिस्ट 2022। तो यानी कि ये जो वीडियो है हमारा आज का, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने अपने बीएड का जो एंट्रेंस अपना एग्ज़ाम जो दिया था, उन स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देखना है। जो भी बीएड के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी आरसी के स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला वीडियो हमारा आज का होने वाला है, जो अपनी मेरिट लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्टली जो हमारा रिजल्ट आया था, जैसे कि आपको पता ही है 8 मई 2022 को हमारा जो एंट्रेंस का जो रिज़ल्ट हमारा डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, बीएड के स्टूडेंट्स वालों का। एंड यहाँ पे अब बात करें मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट को देखो, ये है कि रिज़ल्ट हमारा 8 मई 2022 को जैसे कि हमारा आया था, तो यहाँ पे ये है कि अभी हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो इसका ये है कि 2 से 3 मंथ तो ऑलरेडी हो चुके हैं जो हमारा रिज़ल्ट आया था उसके, ठीक है, बीएड के स्टूडेंट का जिनका भी रिज़ल्ट आया था एंट्रेंस का, तो 2 से 3 मंथ तो ऑलरेडी हो चुके हैं, बट अभी तक आरसी से कोई भी हमारा रिस्पॉन्स नहीं आया है मेरिट लिस्ट को लेके, ठीक है। तो ये है कि स्टूडेंट्स, मैंने अपनी एक तरीके से जो भी हमारे रीजनल सेंटर्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सारे रीजनल सेंटर्स हैं हमारे इग्नू के। तो यहाँ पे मैंने जितने भी हमारे जैसे कि हमारा जयपुर हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया, ये पटना वगैरह, ठीक है, तो इन सबको मैंने एक तरीके से मेल भी करा है कि कब तक जो हमारा मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी, ठीक है, और कब तक हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 से 3 मंथ हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, तो और हमें कितना वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने इनको एक मेल भी अपना भेज रखा है, ठीक है। वो मेल मैंने आपको इस वीडियो में नहीं दिखाया है, क्योंकि अभी तक एक तरीके से रीजनल सेंटर की तरफ से कोई भी हमारा रिस्पॉन्स नहीं आया है मेरे मेल का, ठीक है। जैसे उनका रिप्लाई आएगा मेरिट लिस्ट को लेके, तो नेक्स्ट वीडियो में अपना उसी के ऊपर बना दूंगी, और आपको तुरंत ही मैं आपको एक तरीके से बता दूंगी जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि अभी लगी रहे कि जिस तरीके से अभी मैंने इनको एक तरीके से मेल करा है, जिस तरीके से अभी तक रिप्लाई नहीं आया, तो इस दौरान तो ऐसा लग रहा है कि अभी हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा अपनी बीएड की मेरिट लिस्ट के लिए, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स, अब ये है एक तरीके से रिज़ल्ट तो हमारा आ ही चुका है, अब हमारे पास वेट करने के अलावा एक तरीके से कोई दूसरा कुछ भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारे पास आरसी की तरफ से जैसे रिप्लाई आएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको भी दे दूंगी, और उसका नेक्स्ट वीडियो मेरा आपको मिल जाएगा। तो यहीं पे स्टूडेंट्स, यहीं पे आज का जो वीडियो है हमारा वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और बीएड मेरिट लिस्ट के ऊपर जैसे ही वो आएगी तो मैं आपको बता दूंगी मेरिट लिस्ट। एंड फर्स्टली स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को बजाना ना भूले। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको बीएड से रिगार्डिंग जो भी डाउट्स वगैरह होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा सिंह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।